दोस्तों पंचायत बैठे थे और पंचायत में पंच लोग ऐसा फैसला सुनाते हैं जिसमें एक पति और उसके पत्नी को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। वो पंचायत जिसके खिलाफ फैसला सुनाती है असल में वो प्रेमी और प्रेमिका थे जिन्होंने इस पंचों के गांव में प्यार करके भाग के और शादी कर लिए और पंच उस अपमान का बदला लेने के लिए सभा बुलाती है और सभा ने उस दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है और उसकी तामील भी होती है। दोस्तों पंच उस लड़के के घर में हमला करके पति पत्नी को मार देती है। आज की कहानी उसी गांव के उसी पंच की और उसी प्रेमी युवक और युवती की जिसे अपने ही गांव के लोगों ने जान से मार दिया। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूं, ये घटना असल में 2016-2017 की है और बिहार का सबसे एक जिला है भागलपुर। भागलपुर का एक थाना पड़ता है कजरौली और कजरौली थाने क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है गौराचक। असल में गौराचक में सारी जातियाँ रहती हैं लेकिन गौराचक में यादव बाहुल क्षेत्र था और उस गांव में यादवों के पास यानी साधन संपन्न थे। हर चीज़ में सरकारी नौकरी थी, जमीन थी, पैसे थे, हर चीज़ में वो लोग सही थे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम परमानंद यादव था। उनके तीन औलाद थे जिनमें से एक बड़ी लड़की सोनू सोनी और एक विजय, जिसमें सोनी सबसे बड़ी थी दो लड़के एक लड़की में और सोनी की उम्र इस समय जवान थी। और उसी सोनी के पड़ेस में एक लड़का रहता था जिसका नाम हिमांशु यादव है। हिमांशु यादव सिर्फ उसकी माँ जलसा देवी उसके साथ रहती थी। उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था। सोनी और हिमांशु के बीच में बुआ और भतीजा का रिश्ता था और दोनों बचपन में एक साथ ही खेलते थे और एक साथ ही पढ़ने जाते थे। लेकिन जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पर गांव और परिवार वालों की इसकी भनक न लगी। एक दिन सोनी अपने घर में बैठी थी, हिमांशु उसके घर पे आता है और उसको पूछता है तुम इतनी उदास क्यों हो। सोनी यादव बताती है कि असल में घर पे कोई नहीं है, माँ और पिताजी शादी के एक सिलसिले में बाहर गए हैं और दोनों भाई स्कूल गए हैं। मौका पाकर हिमांशु से न रहा गया, उन्होंने कहा कि तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे प्यार को कुछ नहीं होगा। इतना सुनना था सोनी मुस्कुराने लगी, बोलती सच में क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो। उसके बाद हिमांशु ने सोनी का हाथ पकड़ के अपने बाहों में खींच लिया और दोनों वहीं पे संबंध बनाते हैं। संबंध बनाकर हिमांशु घर चला जाता है लेकिन इन दोनों की प्यार की कहानी धीरे धीरे गांव वालों को पता चल जाती है। गांव वाले इधर उधर की बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे बात सोनी के पिता परमानंद यादव को लग जाती है। उन्होंने सोनी को समझाया और उन दोनों को मिलना जुलना बंद कर दिया। सोनी को बहुत ही कड़े पहरे में रखने लगा और अपनी पत्नी को कहा कि बेटी कहीं भी बाहर जाए उसके साथ एक सदस्य जरूर भेजिएगा। उधर जब दोनों में मुलाकात न हो सकी तो हिमांशु भी पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगता था। हिमांशु की माँ जलस देवी ने उसको बहुत समझाया कि छोड़ दो, इस समाज ये परिवार और ये गांव ये देश भी बुआ भतीजा को रिश्ते को कभी भी कबूल नहीं करेगा। आखिर कुछ दिन बीत जाता है, सोनी जब हिमांशु से मिल नहीं पाती है तो सोनी के दिमाग में एक चाल आती है। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझसे बहुत गलती हो गई और लगी रोने। माँ समझ नहीं पाती है और कहती है कोई बात नहीं बेटी, सब लोग अपनी गलती करती हैं,
अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। कुछ दिन बाद सब सामान्य हो जाता है, लगा कि सब एक दूसरे को भूल चुके हैं। इसी बीच सितंबर 2016 की दिन आता है और सोनी अपनी माँ से कहती है कि मैं नानी के घर जाना चाहती हूँ। माँ सोचती है शायद इसका दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ जाएगी, बाहर थोड़ा घूमे फिरेगी तो दिमाग फ्रेश हो जाएगा। माँ ने पिता परमानंद यादव से इजाज़त लेकर सोनी को ननिहाल के यहाँ भेज देती है। और जब नानी के घर सोनी पहुँचती है तो एक दिन वक्त देख कर हिमांशु को फ़ोन करती है और कहती है अगर तुम मिलना चाहो तो मेरे नानी के घर आ जाओ। हिमांशु उसके प्यार में तड़पता अपने को विवश देख आखिरकार उसके सोनी के घर यानी नानी के घर चला गया और खेत में मिलने का प्लान बना। सबसे पहले एक दूसरे को देखते ही वो एक दूसरे से बहुत प्यार करें और प्यार करने के बाद सोनी कहती है अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे ले चलो वरना ये समाज हम दोनों को मिलने नहीं देगा। प्यार में विवश हिमांशु अपने दोस्तों से कुछ उधार पैसे और लेकर और सोनी को दिल्ली लेकर भाग जाता है। जब इसकी खबर परमानंद को भेज लगता है तो परमानंद गुस्से से बौखला जाते हैं और कजरौली थाना में जाकर उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं और कहते हैं हिमांशु मेरी बेटी को भगा कर ले गया। पुलिस वाले मुकदमा दर्ज करके जब उसके घर आते हैं तो हिमांशु की माँ मिलते हैं। हिमांशु की माँ को थाने लाया जाता है। हिमांशु की माँ से जब पूछा जाता है हिमांशु की माँ कहते हैं मुझे नहीं मालूम हिमांशु कहाँ गया है। उसके बाद तकरीबन 8 महीने बाद हिमांशु सोनी के घर लेकर लौट आता है और सोनी अपने घर चली जाती है। सोनी के घर जाते उसके पिता ने बंद कमरे में उसकी खूब पिटाई करी, उसके भाइयों ने उसको मारा। गांव समाज में ऐसा माहौल बन गया कि इन दोनों ने इस गांव की इज्जत को तार तार कर दिया। इन दोनों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले भी कुछ होता 20 अप्रैल 2017 को एक बार फिर सोनी हिमांशु को लेकर भाग जाती है और ये मामला जब आगे बढ़ जाता है उसके बाद 15 दिन बाद वापस लौट आता है और इस बार वह परमानंद के घर यानी अपने पिता के घर न जाकर हिमांशु के घर जाती है। यह देखकर परमानंद यादव आग बबूला हो जाते हैं। कुछ दिन बाद कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट में सोनी बयान देती है कि मैं बालिग हूँ, मैं शादी कर चुकी हूँ और मुझे भारतीय संविधान के अनुसार मुझे स्वतंत्र रहने की इजाज़त मिलनी चाहिए। यह देख न्याय महोदय ने उन दोनों को बरी कर दिया और इस मामले को पुलिस को किया कि इन दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। 10-15 दिन बाद जब मामला कुछ शांत हुआ 5 जून 2017 को एक सभा बुलाई जाती है सभी गांवों में। इस सभा में एक व्यक्ति आता है जिसकी अगुवाई में ये सभा होनी थी जिसका नाम गणेश यादव था। गणेश यादव अभी 1-2 दिन पहले ही जमानत पर घर आया था, बहुत दबंग व्यक्ति था और उसके साथ एक और व्यक्ति आता है प्रताप यादव, वो एक वर्तमान में सिपाही था और बक्सर में उसकी पोस्टिंग थी। और भी तकरीबन 21 पंच सभा बैठती और सभा ने परमानंद यादव के पक्ष में एक तरफा फैसला करती है कि हिमांशु और सोनी ने जो किया उस गांव की मान को ठेस पहुंचाया और उसे मौत की सज़ा सुनाती है। इस सभा में हिमांशु के परिवार का कोई व्यक्ति भी मौजूद नहीं था और सुबह 10 बजे चली सभा 5 बजे बर्खास्त होती है और परमानंद के पक्ष में फैसला आता है कि हिमांशु को सजाए मौत दी जाएगी। इसके अगले ही दिन कम से कम गांव के सभी दबंग व्यक्ति चाकू डंडा पिस्टल लिए हिमांशु के घर पर धावा बोलते हैं लेकिन घर का दरवाज़ा बंद था। 10 घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर चले गए और हिमांशु को देखते ही उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी जाती है जिसके तुरंत गोली लगने की वजह से हिमांशु की मौत हो जाती है। महिलाओं ने उसकी पत्नी यानी सोनी यादव को खींचकर पता नहीं कहाँ ले जाती है जिसकी सुराख पुलिस वाले भी नहीं लगा पाते हैं। और जब बीच बचाव में जलसा देवी यानी हिमांशु की माँ आती है तो उसको भी मार मार के अधमरा कर जाती है। जैसे इसके बाद पुलिस को लगती है कजरौली थाना वहाँ जो प्रभारी थे विजय कुमार तुरंत बल
और तमाम पुलिस लेकर पहुंचते हैं और तत्काल फोन करते हैं जो भागलपुर के एसएसपी थे मनोज कुमार, एसपी, डीएसपी, सबको फोन करके तमाम, विजय कुमार वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जब गांव में छापा डाला जाता है, गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता, सब व्यक्ति अपने घरों से फरार हो जाता है। एक दो व्यक्ति मिलता है जिसको उठाकर पुलिस थाने लाती है। ये न्यूज़ वायरल हो जाती है और तमाम अखबार इसको रोज़ कवर करते हैं, जिसके वजह से पुलिस के नाक में दम हो गया था। पुलिस ने इस मामले को जल्दी ठंडा करने के लिए कोर्ट से उन सभी भागे हुए आरोपियों को, जिनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज था, जिनमें से सबसे पहले सोनी के पिता परमानंद यादव, सुनील यादव, भीतू यादव, सुमन यादव, सीताराम यादव, विवेक यादव, प्रकाश यादव, विजय यादव, अजना यादव, गणेश यादव और वरुण यादव थे। और जिस जो घायल जलसा देवी जो बयान दी थी, हिमांशु की माँ, उनके अनुसार उनकी बहू को घिस कर जो महिलाएं बाहर ले गईं, जिसका अभी तक पता नहीं चली, बताया जा रहा था सोनी प्रेग्नेंट भी थी, तो स्त्रियों के खिलाफ भी पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, जिसमें प्रमुख रूप से आशा देवी, राधा देवी, रुक्मी देवी, मनीषा देवी, अंजू देवी, अन्नू देवी, नागो और अब्बू देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। जब महिलाएं भी फरार हो गई थी और जब पुलिस आरोपियों की पकड़ में नहीं आ रही थी, तो आरोपी कोर्ट से इन सब के खिलाफ कुर्की का आदेश ले लेती है। और जब कुर्की का आदेश आता है, तो इसमें से कम 10 लोग, 15 लोग कोर्ट में सरेंडर हो जाते हैं, जिसमें से 2 लोग अभी फरार थे, 2 लोग पहले ही पकड़े जा चुके थे। महिलाएं भी कुछ सरेंडर हो गई थी, लेकिन पिता और एक व्यक्ति अब भी कानून से बाहर थे। उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस जेल भेज देती है और आखिरकार तकरीबन सितंबर 2017 को जून में ये घटना घटती है दोस्तों। और सितंबर में पुलिस परमानंद यादव को, जो मुख्य आरोपी थे, बांका जिले से गिरफ्तार करती है और उसे भी चालान करके जेल भेज देती है। और इस पूरे मामले को जो मानव आयोग है, उसके भी यहाँ आते हैं इस गांव में और पूरी कहानी को अपने अनुसार लिखते हैं। पुलिस मानवता आयोग और जिला जो न्यायालय, ऐसा भी मिलकर पूरे आरोपियों को जेल तो भेज देती है, लेकिन हिमांशु की पत्नी सोनी यादव का अब भी पता नहीं चल पाया। घटना दोस्तों 2017 की है, बिहार जिला भागलपुर का। और आपको ये कहानी कैसे लगी? इसमें एक पंच ने एक प्रेमी पति पत्नी को भारतीय न्याय संहिता के खिलाफ जाकर मौत की सजा सुनाती है। इस कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था दोस्तों, सिर्फ आपको सही कहानी और सही वारदात की जानकारी देना था।